पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, जो कि अपने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को धो डाला है इन्होंने। इन्होंने जो बातें की आप सुन के हैरान रह जाएंगे। शोएब अख्तर ने कहा, फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर न्यूजीलैंड टू रिमेंबर, 9 पाकिस्तानीज वर किल्ड इन द क्रिस्टचर्च अटैक, पाकिस्तान स्टूड स्ट्रॉन्ग विद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टू एंड न्यूजीलैंड इन द वर्स ऑफ कोविड सर्कमस्टांसिस रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटमेंट बाई न्यूजीलैंड अथॉरिटीज ऑन दैट टूर। इन्होंने कहा कि आप याद रखिए, 9 पाकिस्तानी क्रिस्टचर्च जो अटैक हुआ था वहाँ पे शहीद हो गए थे, मारे गए थे, वहीं पाकिस्तान ने फिर भी न्यूजीलैंड का साथ दिया। इसके बाद जब न्यूजीलैंड में कोई भी टीम जाने के लिए तैयार नहीं थी तो पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई, इसके बावजूद कि न्यूजीलैंड ने ये बातें कहीं कि अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको गेट आउट कर देंगे, न्यूजीलैंड से निकाल देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा, दिस वॉज जस्ट एन अनवेरीफाइड थ्रेट, इट कुड हैव बीन डिस्कस्ड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर्सनली स्पोक टू हिज न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट एंड अश्योर्ड, बट इट वॉज स्टिल रिफ्यूज्ड। पाकिस्तान हैज सेफली होस्टेड साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे एंड PSL। इन्होंने कहा कि एक अनवेरीफाइड थ्रेट थी जिसको बैठ के सॉल्व किया जा सकता था। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद सिक्योरिटी की मेक श्योर किया कि हम सिक्योरिटी VIP देंगे, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। और हमने इससे पहले साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और PSL के टूर्नामेंट्स करवा चुके हैं। न्यूजीलैंड जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। फिर उन्होंने आगे गुस्से वाले इमोजीज शेयर किए और इन्होंने शदीद गुस्सा किया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पर, और इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट से बायकॉट करना चाहिए, कि इसके बाद हम न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई मैच या कोई सीरीज नहीं खेलेंगे। क्या ऐसे करना चाहिए?